नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल्का से आ रही है। फाजिल्का के फ्लाईओवर पर आरतियों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। पिछले 24 घंटों से यह धरना यहां पर चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभी तक किसी तरह की समस्या का हल नहीं निकाला गया है। फाजिल्का में लिफ्टिंग के मुद्दे पर आरती धरना देकर बैठे हैं। आरतियों का कहना है कि इनकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। मंडी में 5 लाख के करीब बोरियां लिफ्टिंग का इंतजार कर रही हैं। आरतियों को शॉर्टेज पड़ रही है, जिसके चलते आरतीय बेहद परेशान हैं। इसी परेशानी के चलते उनके द्वारा फ्लाईओवर पर धरना लगा दिया गया। बीते दिन दोपहर 12 बजे से यह धरना जारी है, जो कि आज दोपहर 12 बजे भी जारी रहा। इस धरने में मुनीम यूनियन, तोला यूनियन, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूनियन, मजदूर यूनियन व अन्य कई जत्थेबंदियां आरतियों के पक्ष में आ गई हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक गुलबद्दर भी इस धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार जैनी भी धरने में पहुंच गए हैं। नगर कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष अनिल सेठी भी धरने पर मौजूद हैं। तेजेंद्र सिंह नामधारी भी यहां पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अरुण वधवा भी धरने पर बैठे हैं। शिवसेना बाल ठाकरे के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको लाइव खबर दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिल्का के फ्लाईओवर पर आरतियों का धरना जारी है। दूसरे दिन भी यह धरना जारी है। आरतियों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। फाजिल्का में लिफ्टिंग के मुद्दे को लेकर आरतीय लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आरतीय बेहद परेशान हैं। आरतियों का कहना है कि उनका माल चकवाया जाए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी झेलनी ना पड़े। एक पास से यहाँ पर आरतियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आपको लाइव खबरें दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अज भी रात को डी सी साहब नाल साडी छोटी जी मीटिंग हुई सी। उनके विच सानू आश्वासन दिता गया सी, पर अजे तिकन उनके ते कोई अमल नहीं किया गया। इस करके अज साडा धरना हुण दूजे दिन इस तरह ही चलेगा, जो कल चल रहा सी। जिन्ना तिकन साडा काम सुचारू रूप नाल लिफ्टिंग नहीं शुरू होंदी, या साडी शॉर्टेज का जो मसला है वह हल नहीं हुंदा, उन्ना तिकन आरती एसोसीएशन इस धरने के रोज बैठेगी। तो सारा प्रशासन के बर खिलाफ असी जो कुछ हो सकिया साढ़े को असी करांगे। यही साड़ी गुजारिश है, तो वो साड़ी जल्दी तो जल्दी प्रशासन अगे भी लिफ्टिंग का सुचारू रूप के नाल काम चलाए। अज कि जत्थेबंदियां तुहाडे नाल ने जी? साढ़े नाल जी मजदूर यूनियन है जी, एक साढ़े नाल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर यूनियन है जी, तोला यूनियन है जी, किसान यूनियन है जी, मुनीम यूनियन भी साढ़े नाल है, व्यापार मंडल भी साढ़े नाल है जी। वो अज अशोक गुलबद्दर जी मेरे नाल ही बैठे ने जी। प्रधान जी की कहोगे जिहड़ा आरतियों वालों अंदोलन शुरू किया गया, समस्या नूं ते हल नूं लैके व्यापार मंडल दा की सहयोग रहेगा? बाबा जिहड़ा आरती एसोसीएशन वालों उन्हां नूं जिहड़ा पहलां तां सब तों पहलां तां मैं इन्हां नूं वधाई देवांगा, जिन्हां ने कि आज एकजुटता इन्नी दिखा के और इन्ने इकट्ठ नूं करके जिहड़ा कि हाईवे नूं जाम कीता। ये तां करना पिया क्योंकि उस वक्त सारे बाहर आते हैं, जिहड़े आते निकल के जदों सारा हथों पानी निकल जाता, और कोई चीज़ भी प्रशासन और कोई भी आदमी किसी की गल सुनने तैयार नहीं होता। सारा आदा कारोबार पीक सीजन इन्हों का चल रहा है, कारोबार सारा इन्हों का बंद पिया, और जिहड़ी इक्को कारण है कि जिहड़ा लिफ्टिंग का ना आना और पैसे का विच रोल जिहड़ा पैसे का रोल आ जाना एक, और सारियां नूं जिहड़ा है उन्हें परेशान कर दिता है। जदों इस चीज़ नूं आया उहदे विच असीं कल डीसी साहब नूं भी मिले सी, और पूरी तरह उहदी आवाज़ पूरी तरह जोर शोर नाल उठाई गई सी। अज सवेर भी मेरी डीसी साहब नाल गल हुई है, काफ़ी देर होंदी रही है, और असीं पूरा विश्वास दवाने हैं, मतलब जदों तक ये मसला हल नहीं हो जाता साडे भरावां दा आड़तियां एसोसीएशन का,
असी मोढ़े दे नाल मोढ़ा ला के खड़े हैं। किसी भी स्थिति में जाना पवे सारे शहर वासी तैयार बार तैयार खड़े ने और असी पूरी तरह हर तरीके दे नाल इन्हां दे नाल खड़े हैं और जदों तक इन्हां दा मसला हल नहीं होगा असी चैन नाल नहीं बैठना। व्यापार मंडल वालों शहर भी बंद करवाया जाएगा? कोई शहर का बंद ही कोई चीज़ नहीं, हर तरीके दे नाल ही असी अगे आवांगे जिस तरीके की भी जरूरत पवे। पै गई व्यापार मंडल पहला वाह शख्स होगा वो गिरफ्तारियां देने वास्ते भी अगर खड़ा होगा भी ले लो जो तुझे चीज़ें देखो धरने सारी गल जी है लिफ्टिंग की है। अस जिंदगी पहली बारी आड़ती एसोसीएशन ने धरना जो लाना पे है ये बड़ी शर्म की गल है और ये मैं देखता हाँ कि सरकार वाले बंदे भी धरने से बैठे थोड़े मीडिया राही अखबारों के बीच समझ नहीं आ रही भी ये सिस्टम है कि सरकार ना की चीज़ कोई है कि नहीं। मैं नहीं लगता अंधेर राजा चौपट चौपट राजा अंधेर नगरी हो पी है तो इस करके आड़तिया आया मैं असी इन्होंने नाल खड़े साढ़े फाजिलका के मसले के बीच असी हरेक चीज़ तो उपर उठ गए पार्टीबाजी तो उपर उठ के इंसानियत के नाते नाल असी जी समस्या है आड़तिया कल्या की नहीं है किसानों की भी समस्या है समस्या को हल कराने वास्ते असी इन्होंने नाल भावें सानू हुण डीसी को जाना पवे भावें सानू हुण चंडीगढ़ प्रशासन नाल गल करनी पवे असी थोक बजा के पूरी गल समझ के और करांगे ये मसला हल कराने की पूरी कोशिश करांगे। सर हल क्या नज़र आ रहा है आपको? हल सिर्फ मैं लगता है हल नहीं है मुछ का सवाल है जिते मुछ का सवाल आता इतने समस्या आती है। हल है दो मिनट का हल है ज़्यादा नहीं हल ये कोई की समस्या ये कोई समस्या नहीं है पर मुछ का सवाल है वो की है कि फिर परेशानी थले लोगों होंगी है अजय धरना है आड़तियों परेशानी है किसानों परेशानी है आवाजाही ट्रैफिक परेशानी है ये परेशानी दो बंद या तीन बंद मुछ के सवाल करके सारे की परेशानी है। अगर मुछ का सवाल ना आए असी सिर्फ किसी कंब वास्ते सोचिए तो एक मिनट का सच्ची नीत नाल कोई गल करिए तो दो मिनट तो उपर किसी चीज़ का नहीं लगता टेबल पर बैठ के सारे मसले हल हो जाते हैं। मुछ सीधी की है कि मुंडा दी जाएगी? देखो अगे गद्दी गल है ये तुम और ना तिली तिली लेके डब्बी ना सिटो कोई गल नहीं करद गल की होंगी है।